What is the least number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 and leaves a remainder of 2 in each case? Find the greatest number which when subtracted from 5834 gives a number exactly divisible by 20, 28, 32, 35. तो देखिए इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को एग्जाम्स में मिलते हैं, तो इनके लिए अपने को LCM और HCF के चार मॉडल्स सीखने पड़ेंगे। तो आज अपन वही मॉडल सीखने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन सा मॉडल लगाना है, HCF लगाना है या LCM लगाना है, इसे भी अपन वीडियो के एंड में एक ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं LCM का मॉडल 1। देखिए ये मॉडल कब अप्लाई होएगा इसका अपन पैटर्न समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय P, Q एंड R leaves सेम रिमाइंडर K इन ईच केस। तो देखिए यहां पे क्या है, आपको पूछा होएगा सबसे ऐसा छोटा नंबर जो P, Q और R से डिवाइड हो और डिवाइड होने के बाद में सब में सेम रिमाइंडर आए। तो यहां पे देखिए आप क्या फॉर्मूला यूज ले लेंगे, आपको निकालना है LCM ऑफ P, Q एंड R और उसके अंदर आपको प्लस कर देना है K। अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 4, 6, 8, 12 और 16 इन पांचों नंबर का पहले LCM निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से, और LCM निकालने के बाद में जो रिमाइंडर है, सभी में जो रिमाइंडर है यहाँ पे 2 है, वो आपको क्या करना है उसके अंदर ऐड कर लेना है। अब देखिए 4, 6, 8, 12 और 16 का LCM क्या हो जाएगा, आपको बड़े वाले की टेबल बोलनी है। जैसे 16 वन जा 16, 16 टू जा 32 और 16 थ्री जा 48। अब देखिए ये 48 जो है ये 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब जो 48 है वो सभी का LCM हो जाएगा। बस आपको अब LCM जो निकाला है उसके अंदर प्लस 2 कर देना है, मतलब 48 प्लस 2 आंसर आ जाएगा आपका 50। तो 50 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है जो 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड होता है तो सब में 2 का रिमाइंडर आता है। तो देखिए अब अपन देखेंगे LCM का सेकंड मॉडल। देखिए इसके अंदर आपको डिफरेंट रिमाइंडर दे रखा होगा, तो इसमें क्या पैटर्न रहती है वो देखते हैं अपन। व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय P, Q एंड R लिविंग S, T एंड U एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इस पैटर्न में क्या है, यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हैं, मतलब आपको ऐसा नंबर निकालना है जिसे आप P से डिवाइड करेंगे तो S का रिमाइंडर आएगा, Q से डिवाइड करेंगे तो T का रिमाइंडर आएगा और जब R से डिवाइड करेंगे तो U का रिमाइंडर आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है LCM ऑफ P, Q एंड R माइनस K। देखिए पहले वाली ट्रिक के अंदर क्या था, उस मॉडल में आपको प्लस K करना था, यहां पे अपन ने माइनस K किया है, बट क्वेश्चन में अपने को कहीं पे भी K नहीं गिवन है। तो K का मतलब क्या है, यहां पे K का मतलब है P माइनस S या फिर Q माइनस T या फिर R माइनस U। तो देखिए तीनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो तीनों का सेम ही आएगा और वो जो सेम वैल्यू आएगी उसी को अपन K नाम देंगे। तो देखिए इसका अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स 8 एंड 12 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हैं, मतलब 8 आना चाहिए जब अपन 28 से डिवाइड करें और 12 आना चाहिए जब 32 से डिवाइड करें। तो ये हो गया आपका मॉडल 2 वाला क्वेश्चन। तो इस मॉडल के अंदर आपने फॉर्मूला क्या देखा था, LCM ऑफ P, Q एंड R माइनस K करना है। अब यहाँ पे P, Q एंड R मतलब तीन टर्म्स नहीं गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ओनली दो टर्म्स गिवन है तो अपन दो का ही LCM निकाल देंगे। तो देखिए डिवाइडेड बाय कौन से नंबर थे, डिवाइडेड बाय थे 28 और 32। तो 28 अपना P हो गया और 32 अपना Q हो गया, इन दोनों का अपन LCM ले लेंगे। तो देखिए वो जो LCM होता है वो आता है 224 और उसमें से आपको माइनस K करना है। अब K क्या टर्म होएगा, K के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था,
पी माइनस एस या फिर क्यू माइनस टी। अब देखिए पी यहां पे कितना है 28 और माइनस एस कितना है यहां पे 8, तो 28 माइनस 8 कर देंगे अपन तो 20 यहां पे k की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप 32 माइनस 12 करेंगे तो भी यहां पे 20 आ जाएगा जो k की वैल्यू होगी। हर के अंदर सेम ही वैल्यू आएगी k की, तो ये जो k है इसे आपको क्या करना है माइनस कर देना है। तो 224 अपना एलसीएम आया था उसमें से अपन k की वैल्यू मतलब 20 अपन माइनस कर देंगे तो 204 ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा नंबर होएगा जब मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो 8 का रिमाइंडर आएगा और 32 से डिवाइड करूंगा तो 12 का रिमाइंडर आएगा। तो अपन ने ये दोनों मॉडल्स कर लिए एलसीएम के, अब अपन देखेंगे एचसीएफ के दो मॉडल्स। तो पहले अपन करेंगे सेम रिमाइंडर वाला केस, देखिए क्या पैटर्न रहता है। What is the highest possible number which divides P, Q and R leaving same remainder in each case? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा highest number निकालना है जो P, Q और R से यदि अपन divide करें उस number को तो आपको same remainder मिले। तो देखिए यहाँ पे आप क्या formula लगाएंगे, HCF of P minus Q and Q minus R, मतलब आपको क्या करना है जो दोनों number दे रखे हैं उसे आपको subtract करना है, एक बार P माइनस Q करना है और एक बार Q माइनस R करना है, उन दोनों को सबट्रैक्ट करके जो नंबर निकले उनका आपको HCF निकालना है, वो जो HCF निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप इसमें ये मॉडल को यूज लेंगे तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब अपन देखेंगे इसका नेक्स्ट मॉडल मतलब HCF का मॉडल नंबर 2 जिसमें अपन डिफरेंट रिमाइंडर की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पैटर्न में रहेगा, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच डिवाइड्स पी क्यू एंड आर लिविंग एस टी एंड यू एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हैं तो आपको यहां पे फॉर्मूला क्या लगाना है, एचसीएफ ऑफ P माइनस एस क्यू माइनस टी एंड आर माइनस यू। तो देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, जिस नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं उसमें से अपन ने उसका रिमाइंडर माइनस कर लिया और वो जो तीनों नंबर निकलेंगे उनका अपन ने एचसीएफ लिया है। देखिए इसका भी अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280, 1245 लिविंग रिमाइंडर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहां पे क्या है, आपको दो नंबर दे रखे हैं जिससे अपन डिवाइड करने वाले हैं, ऐसा नंबर अपने को निकालना है जिससे कि एक में रिमाइंडर 3 आ जाए और एक में रिमाइंडर 4 आ जाए। तो अपन यहां पे क्या कर लेंगे, HCF का मॉडल नंबर 2 लगाएंगे, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे थे इसलिए अपन ने मॉडल नंबर 2 लगाया यहां पे। तो देखिए यहां पे अपन कर लेते हैं 280 माइनस 4 मतलब 276 और एक आ जाएगा 1245 माइनस 3 मतलब 1242, इन दोनों का अपने को HCF निकालना है। तो देखिए इनका HCF आ जाएगा 138, तो 138 ऐसा मैक्सिमम नंबर होएगा जिसे अपन 280 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 का आ जाएगा और 1245 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 का आ जाएगा। तो देखिए ये सारे अपन ने मॉडल्स कर लिए, इनके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस कर लिए, अब अपन एक चीज और देख लेते हैं कि इनको अपन लर्न कैसे करेंगे कि किसके अंदर HCF लगेगा और किसके अंदर LCM लगेगा। देखिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी डिवाइड के इस साइड में मतलब डिवाइड के बाहर साइड के अंदर जब अपने को वैल्यूज गिवन होती है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा डिवाइडेड बाय 8, 12, 15 ऐसा कुछ नंबर दे रखा है, मतलब डिवाइडेड बाय के बाद में वाली वैल्यूज दे रखी है, तो इसका मतलब आपको अंदर वाली वैल्यूज निकालनी है और अंदर वाली वैल्यूज निकालनी है तो इसका मतलब वो बड़ा नंबर होने वाला है। तो बड़ा नंबर निकालने के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपको जब भी बाहर साइड की वैल्यूज गिवन है मतलब डिवाइडेड के बाहर वाली वैल्यूज गिवन होती है तो अंदर वाली वैल्यूज जनरली क्या होती है, बड़ी वैल्यूज होती है, और बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जब आपको डिवाइड के अंदर वाली वैल्यू गिवन है मतलब आपको जो डिविडेंड है वो गिवन होएगा, उस केस में आपको डिवाइजर निकालना होता है और डिवाइजर क्या होता है, हमेशा छोटा नंबर होता है। तो छोटे नंबर के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा HCF निकालते हैं। तो इसे अपन इजीली लर्न कर सकते हैं, जब भी डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उस केस में LCM निकालना पड़ेगा, और जब भी डिवाइड्स PQR मतलब आपको डिविडेंड गिवन होएगा तब आपको HCF निकालना है। तो चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं, इन चारों मॉडल से अपन LCM और HCF के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।